नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राकेश टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गलो रोड में रेफरल कमीशन यानी रेफरल का बैलेंस वॉलेट बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, वो कब आपके अकाउंट में जमा करता है, सारी स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके गलो रोड संबंधित की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये गलो रोड एप्लीकेशन है, इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके डिस्प्ले पे आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं होम पेज इस तरह से ओपन होगा, होम पेज, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ और आपको कहाँ चले जाना है, आपको माय शॉप पे चले जाना है, ठीक है। तो चलिए पहले जानते हैं वॉलेट बैलेंस आपके अकाउंट में, यानी आपके अकाउंट में इस में आपको कैसे जमा होता है और कब आपको जमा होता है रेफरल का बैलेंस वॉलेट बैलेंस। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस के बात करेंगे। तो चलिए वॉलेट बैलेंस के बारे में बताता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, नीचे चले जाना है आपको। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं वॉलेट डिटेल्स। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं जो कि मेरा रेफरल कोड से जुड़े हुए हैं और ये आप यहां देख सकते हैं ऑर्डर डेट, मतलब 1 नवंबर को ये ऑर्डर किए थे, अभी ऑर्डर पेंडिंग में है, मतलब अभी उसके डिलीवरी नहीं किया गया है। अगर ये डिलीवरी करता है और वो डिलीवरी करने के बाद वो कैंसिल और रिटर्न नहीं करे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और आप अगर गलो रोड एप्लीकेशन यूजर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम रिटर्न कितने दिन तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं पेंडिंग, और मैं कुछ लैब प्रूफ दिखाऊंगा जो कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि 9 अक्टूबर का ऑर्डर किए थे और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है हमारे बैलेंस में। ये मेरा वॉलेट बैलेंस में जमा कर दिया गया है गलो रोड एप्लीकेशन के द्वारा। तो बहुत सारा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों बैंक बैलेंस के में, बैंक बैलेंस कब और कैसे आता है रेफरल का बैलेंस, ठीक है। तो आप जैसे कि माय अर्निंग पे क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। माय अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आप यहां देख सकते हैं जो नेक्स्ट पेमेंट डेट 4 नवंबर को मतलब जमा कर दिया जाएगा, बट आज 4 नवंबर है और हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक तो क्रेडिट नहीं किया गया है, बट वो कभी 10-11 ऐसे हमारे अकाउंट में आता है बैलेंस, ठीक है। तो मैं सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे जो कि ये इतना रुपया कहाँ से आया मेरे पास रेफरल का कमीशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि खुद ये कस्टमर का ऑर्डर था और बाकी ये रेफरल का बैलेंस है, ठीक है। तो आप किसी भी ऑप्शन को आप चॉइस कर सकते हैं, जैसे कि इस पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करना है तो आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं कि 25 रुपया अभी पेंडिंग में है, ठीक है। तो अभी पेंडिंग में है जो कुछ हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, तो ये भी आपको बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी डिटेल्स पे क्लिक करना है इस पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि मेरा, और सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जो कि रेफरल का बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से मतलब जान सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कब और कैसे ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आज 4 नवंबर है और 10 बजे तक हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया तो कल नेक्स्ट डे में कर सकते हैं। आप यहां इस पे क्लिक करके आप यहां चेक कर सकते हैं पेमेंट डिटेल्स। तो आप यहां देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होता है गलो रोड एप्लीकेशन द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि 24 अक्टूबर का था, अभी 4 नवंबर का है, अब फिर 14 दिसंबर का होगा। इस तरह से होता है महीने में एक बार। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बंदे।